हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एग्जाम्स में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, अब सपोज कीजिए बी कॉम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो अपने एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है। इनफैक्ट हम सभी को ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यस, हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम हिंदी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज वाले एग्ज़ाम्स में तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में सपोज कीजिए आपको कोई भी हेडिंग दी गई है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या होता है। ओके, तो अकाउंटेंसी जो आप लिखते हैं नॉर्मली आपसे पूछा जाता है लेखाकरण क्या होता है, पुस्तपालन क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के इंग्लिश मीनिंग्स जो है उनके थ्रू आप लिख सकते हैं। दूसरा, कैसे आप लिख सकते हैं, सपोज कीजिए आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी हेडिंग्स बन रही हैं, कोई भी हेडिंग है। अब जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है पार्षद अंतरनियम के वाक्य लिखिए, तो उसमें बहुत सारे वाक्य होते हैं, नाम वाक्य, स्थान वाक्य, ऐसे करके जो हिंदी में उनके वो होते हैं उसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज इस तरह से करके उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बन जाती है। तो ईजिली हम उसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं और साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके जो हमारा हेडिंग का मेन पॉइंट है वो इंग्लिश में लिख कर अगर अपना जो हमें आंसर लिखना है वो हिंदी में ईजिली लिख सकते हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हम यूज़ करके हमारा जो क्वेश्चन पेपर और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, सोचने वाली बात यह है कि कई बार हमें सब कुछ पता होता है, हम जानते हैं कि हमें कैसे करना है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हमें थोड़ी सी हिचक रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदी वाला एग्जाम है, अगर हम इंग्लिश यूज़ करेंगे तो कहीं हमारे मार्क्स कट नहीं हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कि हमारे हमें प्रॉब्लम हो जाए एग्जाम में, एग्जामिनर हमारे मार्क्स कम ना दे दे। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इंग्लिश के वर्ड्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, उसकी हेडिंग्स हमने लिखी, तो इंग्लिश में हेडिंग्स डालकर हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम भी हम हिंदी में इतना ईजिली नहीं बना सकते, तो हम इंग्लिश में डायग्राम को अच्छे से शो कर सकते हैं। इंग्लिश क्या होती है ना कि इंग्लिश से थोड़ा स्टाइलिश लगता है सब कुछ, तो थोड़ा सा स्टाइलिश तो हमें भी हो जाना चाहिए एग्जाम के बेसिस पर, हिंदी मीडियम वालों को भी, तो थोड़ा सा डिफरेंट हम बनाने के लिए इंग्लिश उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं बीच में। बहुत सारी ऐसी कोटेशंस होती हैं जो हिंदी में लिखकर अगर हम उनको इंग्लिश में लिखते हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं। ओके, तो कुछ कोटेशंस ऐड कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका हुआ, उस क्वेश्चन में आपको कोई कोटेशन लिखनी है तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश में उस कोटेशन को लिख दीजिए, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, जिससे कि आपके मार्क्स भी अच्छे बढ़ जाएंगे, प्लस आपका क्वेश्चन आंसर शीट जो है वो भी और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, जिसमें आपके मार्क्स एग्जामिनर को देखकर बहुत बेटर वे में दे देता है। ओके, और कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे हेड्स होते हैं, एक हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट करते हैं। हम सभी जानते हैं हाईलाइटेड जो हेड्स होते हैं उनको हम किसी भी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली कोई भी हमें टोकेगा नहीं, मतलब हमारे मार्क्स जो हैं कम नहीं होंगे। इस तरह से टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है, डेफिनेटली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कोई हेड डाल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर डाल रहे हैं, कोई भी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, अगर हम आंसर नंबर डालते तो हम हिंदी में ये तो नहीं लिखते उत्तर नंबर वन, राइट? थोड़ा सा तो हम ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, हम आंसर नंबर वन करके ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम जो लिखते हैं आंसर अपने हिंदी में ही लिखते हैं। तो खुद सोचिए, जब हम आंसर नंबर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आगे हम इंग्लिश यूज़ क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा तो कर सकते हैं, हेडिंग्स में कर सकते हैं, कोटेशंस में कर सकते हैं, प्लस हम यूज़ कर सकते हैं बीच में जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनमें कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम पॉइंट्स में बनाकर कर रहे हैं, हमने हिंदी में पॉइंट्स लिख दिए, साथ में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, हेडिंग्स जो हमने कन्वर्ट की इंग्लिश में उसका डायग्राम मैंने आपको बताया कि आप शो कर सकते हैं इंग्लिश में, और भी सुंदर लगता है और भी अच्छा लगता है, इनफैक्ट आपके मार्क्स भी और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इंग्लिश से और भी ज़्यादा इफेक्टिव अपनी आंसर शीट को बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की तो आज के टाइम में क्या जाता है ना कि इंग्लिश का युग हो चुका है। नॉर्मली अगर इंग्लिश में बातचीत करने वाले को अगर बात करते हैं इंग्लिश में बात करने वाले की तो उसको बेटर समझा जाता है रदर देन हिंदी वाला, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारी मातृभाषा अगर बोला जाए तो हिंदी ही मानी जाती है आज भी। ओके,
तो बहुत ज़्यादा घबराने की या किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर शीट में यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स में, हेडिंग्स में, प्लस डायग्राम्स में, कोटेशंस में, कोई भी नया पॉइंट आपको बनाना है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी डिफरेंट सा करना है नोटबुक में, या आपको सपोज कीजिए आपको किसी भी तरीके को कोई मेन पॉइंट शो करना है बीच में से, तो भी आप इजीली उस सब चीज़ों में इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।